के पास बिल्हौर पुलिस का एक नया रूप सामने आया है। आपको बता दें, बिल्हौर पुलिस के लिए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा आज भी जिंदा है। किसान हत्या की जांच में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को विवेचक बना दिया है। 3 अक्टूबर को दर्ज FIR में शहीद सीओ को बनाया गया जांच अधिकारी। 7 दिन से किसान हत्या मामले की जांच में लगे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, शहीद सीओ बिकरू कांड में शहीद हुए थे सीओ देवेंद्र मिश्रा। फजीहत करवाना बिल्हौर पुलिस की एक नई आदत बन गई है। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, बिल्हौर पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। पुलिस ने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के लिए, वो आज भी जिंदा है, किसान हत्या की जांच में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को विवेचक बना दिया है। 3 अक्टूबर को FIR दर्ज की गई थी जिसमें सीओ को जांच अधिकारी बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अश्वनी निगम का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अश्वनी, 3 अक्टूबर को FIR दर्ज की गई थी जिसमें शहीद सीओ को जांच अधिकारी बना दिया गया है, एक बार फिर से फजीहत करवा रहा है बिल्हौर पुलिस। बिल्कुल सही है एकदम, कि मामला बिल्लौर पुलिस की लापरवाही सामने देखने को मिली है कि तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं शहीद हुए देवेंद्र सिंह देवेंद्र मिश्रा को। वहीं बिल्लौर पुलिस ने एक किसान की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया जिसमें उन्हें जो है विवेचक बना दिया, और इसके मामले की लापरवाही बिल्कुल सामने उजागर आ रही है कि एकदम भद पिटवाए हुए है कानपुर की पुलिस। कहीं ना कहीं सुर्खियों में लगातार बनी हुई है, इससे पहले भी बिल्लौर पुलिस सुर्खियों में बनी रही है। कंचन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कानपुर पुलिस का कोई कारनामा सामने आया है। 7 दिन से किसान हत्या मामले की जांच चल रही थी, इसमें जांच अधिकारी कैसे बना दिया गया एक शहीद सीओ को? हिसाब से जो है विवेचक उसमें बनाया गया था, आखिरकार 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी अधिकारी की उस पर नजर नहीं पड़ी, क्योंकि जब भी FIR ऑनलाइन दर्ज करी जाती है उसमें जो विवेचक बनाया जाता है उसे तत्काल उसे फाइल उसे ट्रांसफर कर दी जाती है, और जिसके बाद विवेचना शुरू होती है और उसको लेकर के वहां पर जो वादी होता है उन्हें बुला करके बयान लिया जाता है। ऐसे में 7 दिन में बिल्कुल पूरी तरह पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है, आला अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है कि इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं उस विवेचक का नाम को लेकर के सुधारा गया। क्या इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से सामने आया हो? इस मामले में पुलिस के जो आला अधिकारी है चुप्पी साध लेते हैं और सिर्फ जांच की बात ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि जांच कराई जा रही, जांच में अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन वो कागजों में ही जांच दिखती है और उसके अलावा जो है कहीं पे कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। ठीक है अश्वनी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।